गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और उनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा उसके ऊपर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे सूत्र इसमें बनते हैं, तो उन सूत्रों पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं, फिर ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। मतलब क्या? अनुमंतांक का मतलब होता है रेटिंग। एक बल्ब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि V बराबर है 220 वोल्ट और पावर P बराबर होता है 100 वाट। ये दिया गया है, ये लिखा हुआ है बल्ब के ऊपर। कहता है जब इसको 110 वोल्ट पर जलाया जाता है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखो, ये 220 वोल्ट पे जलाया गया तो इसकी शक्ति है 100 वाट। अब उसने कहा कि जब विभवांतर है 110 वोल्ट तो उस समय इसकी शक्ति ज्ञात करनी है, P हमें ज्ञात करना है। तो इस सूत्र से देखो, हमें पता है P बराबर है V इनटू I, और एक और सूत्र होता है इसका P का, यहां से हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं। P का मान कितना है? P का मान होता है, या एक और P के जितने भी सूत्र हैं वो कैलकुलेट करो। जैसे ये एक सूत्र है P बराबर है I स्क्वायर R, ये भी होता है, एक होता है P बराबर है V स्क्वायर बटे R। ये सारे के सारे सूत्र हैं किसके? शक्ति के, पावर के सूत्र हैं। अब हमारे पास क्या है? P 100 वाट और हमारे पास अभी विभवांतर 220 वोल्ट, तो यहां से हम I निकाल सकते हैं, विद्युत धारा निकाल सकते हैं, या फिर प्रतिरोध निकाल सकते हैं। जैसे यहां से देखो, ये सूत्र का प्रयोग करो आप लोग, हमें चाहिएगा प्रतिरोध, क्योंकि विद्युत धारा से इसका ये सवाल सोल्व नहीं होगा। तो हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हमने ये सूत्र लगा दिया तो हमने विद्युत धारा निकाली, अब उस विद्युत धारा को हम यहाँ नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा विभवांतर के साथ परिवर्तित हो जाती है, लेकिन जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध तो जितना उस बल्ब का है वही रहेगा, तो हम प्रतिरोध निकालेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पी कितनी दी है? 100 वाट, 100 दे रखा है ये, और V दे रखा है 100 दे दिया, V दिया कितना? 220, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बटे R। तो R के लिए R बराबर है 220 गुना 220 बटे 100, ये हो जाएगा भाई क्या, दो जीरो से जीरो गई, तो 22 गुना 22 ये आ गया कितना उसका प्रतिरोध। अब जब उसके विभवांतर कितना है? 110 वोल्ट, तो हमें निकालना है पावर। P बराबर है V स्क्वायर बटे R, R तो उसका कितना है? 22 गुना 22, तो P निकालना है, V दे रखा है 110 दो बार मल्टीप्लाई, और R कितना? 22 गुना 22। अब देखो, 11 ये 10 पे चला जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 पे ये 10 दूनी 22, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 गुना 5 25, तो 25 वाट आ गई उसकी क्या? शक्ति। कब? जब उसको हमने जोड़ दिया 110 वोल्ट विभवांतर के साथ, ठीक है भाई, इस प्रकार हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न हमारा, 4 एम्पीयर विद्युत धारा 12 वोल्ट कार के बल्ब से 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो, जो दिया है वो लिख लेंगे हम, पर क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं। I दे रखा है कितना? 4 एम्पीयर, विभवांतर दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, और टाइम दे रखा है 10 मिनट, बात समझ में आएगी। अब वो कहता है एनर्जी निकालो, एनर्जी का सूत्र होता है P गुणा T, पावर इनटू टाइम। अब पावर हमारे पास है नहीं,
पावर का हमारे पास सूत्र होता है v into i, p का मान होता है ना v into i, तो p की जगह v i लिख दिया into t, ठीक है। अगर देखो v ये दे रखा वोल्ट में 12 गुना i दे रखा 4, t जो है वो हमें सेकंड में लेना पड़ेगा तभी हमारी जो ऊर्जा है वो जूल में निकल के आएगी, तो t कितना 10 मिनट, 10 गुना में 60 ये आ जाएगा, कितना हो गया भैया 12 चौक 48 गुना में 600, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आया 1 2 6 6 48 4 6 6 4 28, ये आ गया भी इतने जूल, ठीक है इतने जूल। अगर हम इसको किलोवाट आवर में निकाल लें, किलोवाट आवर में, तो एनर्जी किलोवाट आवर में आती है या किलो जूल में आती है, अगर हम इसको किलो जूल में निकालेंगे तो बटे 1000 करेंगे, 20 गई ये आ जाएगा 28.8 किलो जूल, ठीक है तो जूल में आ गई और किलो जूल में कितनी ऊर्जा वह खर्च करेगा। दूसरा अगर हम इसको किलो वाट आवर में निकालना चाहे, किलो वाट आवर के लिए देखो किलो वाट आवर हमें चाहिए भाई क्षमता मतलब पावर चाहिए वो भी किलो वाट में, और पी क्या है वी आई, पावर का वी आई, वी कितना है 12, आई कितना है 4, 12 चौक 48, 48 वाट आ गई, तो हमें चाहिए किलो वाट में, तो 48 बटे 1000 ये आ गई किलो वाट में, ठीक है किलो वाट के लिए। अब हमें चाहिए टाइम वो भी घंटे में, ठीक तो ये आ गई पावर किसमें किलो वाट में, अब हमें चाहिए टाइम घंटे में, तो टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट है तो 10 बटे 60 हो जाएगा, ये होगा घंटा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अभी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10 कट गया, तो ये हो गया 48 बटे 6 1 2 3 0 6 8 48 8 आया ना ऊपर, अब 1 2 3 कितना आ गया मतलब 0.008 किलोवाट आवर, इतनी ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी, ठीक। अगर हम 4 एम्पीयर विद्युत धारा करंट को 12 वोल्ट कार के बल्ब से 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो इतने किलोवाट ऊर्जा की खपत हो जाएगी, ठीक है। हम ऊर्जा को जूल में भी निकाल सकते हैं, किलो जूल में भी निकाल सकते हैं, किलोवाट वाट आवर में भी निकाल सकते हैं, वाट आवर में और किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हैं, बात याद रखना, ठीक है। ये सब किसके मात्रक हैं, ये सब ऊर्जा के मात्रक होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, 2 ओम के प्रतिरोधक से 5 एम्पीयर विद्युत धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होने पर उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो जो दिया गया है, जो दिया गया है हम वही लिख लेंगे, 2 ओम मतलब प्रतिरोध दे दिया R, 2 ओम, 5 एम्पीयर विद्युत धारा I बराबर 5 एम्पीयर, कितना टाइम 30 मिनट तक प्रवाहित होगी, तो ऊर्जा निकालनी है, एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी के सूत्र हमारे पास है, क्या है सूत्र एनर्जी का, E बराबर होता है P गुना में T, P क्या होती है पावर क्षमता, और P का सूत्र होता है V I भी होता है, P का सूत्र I स्क्वायर R भी होता है, P का सूत्र V स्क्वायर बटे R भी होता है, तो ये अलग अलग सूत्र है। अब देखो जो लागू होता है वो हम निकालेंगे, इसमें क्षमता नहीं दी गई है, तो E के लिए P टाइम को दे दिया, क्षमता नहीं दी गई है, तो दिया क्या आई और आर, तो इसमें आई और आर का सूत्र उठा लो ये वाला, ठीक है ना, तो पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर और इनटू टाइम, बात समझ में आ जाएगी। अब आई स्क्वायर आर, आई का मान कितना दे रखा 5 का स्क्वायर गुना आर कितना दे रखा 2 इनटू टी टाइम, वो दे रखा किसमें मिनट में, तो 30 बटे 60 ये होगा घंटा, तो 25 गुना में 2 गुना 30 बटे 60, 30 गुनी 60 2 से 2 गया, ये आ गया भाई 25 वाट आर आ गया। देखो क्योंकि ये जो चीज थी ये इतनी, ये तो क्षमता थी पावर थी शक्ति, और शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, तो यहां तक तो ये शक्ति है, आगे ये टाइम है, तो वाट आर किलो वाट आर में आया, अभी वाट आया
तो 25 वाट आर ये आ रही उसकी वाट घंटा, ये उसकी ऊर्जा आ रही वाट घंटे में, किलो वाट घंटे के लिए हम क्या करेंगे 1000 से इसको भाग कर देंगे 1000 बटे 1000। क्यों? क्योंकि वाट है तो वाट के किलो वाट में बदलने के लिए, तो आ जाएगा भी ये आ जाएगा 0.025 किलो वाट आर, इतनी ऊर्जा की खपत होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हम ऊर्जा को जूल में भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर जूल में निकालनी होती तो इस टाइम को हम सेकंड में बदल लेते, तो सेकंड में बदलने से सारी की सारी ऊर्जा जूल में आ जाती है, लेकिन हमने इसको घंटे में बदल लिया। और वाट का मतलब क्या होता है, एक वाट का, जैसे यहाँ पे आया कि 25 वाट का मतलब होता है 25 जूल 1 सेकंड में ऊर्जा खर्च हो रही है, समझ गए, 25 जूल 1 सेकंड में। तो टाइम कितना है 30 मिनट, 30 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो वो टोटल आ जाएगी, वो भी जूल में। लेकिन अगर हम निकालना चाहते हैं वाट घंटे में या किलो वाट घंटे में, तो उसके लिए हमें वाट को किलो वाट में बदलना पड़ेगा। अगर टाइम दिया है मिनट में या सेकंड में, तो उसको घंटे में बदलना पड़ेगा, ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब 96,000 कूलम आवेश 1 घंटे के लिए 50 वोल्ट विभवांतर के बीच प्रवाहित होता है, भाई 96,000 कूलम आवेश दे दिया और वो चल रहा है 1 घंटे तक, किसके बीच कोई भी विभवांतर है कितना, 50 वोल्ट विभवांतर के बीच, तो ऊष्मा परिकलित कीजिए, मतलब हीट निकालनी है, क्या दिया है आवेश Q बराबर है 96,000 कूलम और टाइम दे दिया भाई कितना 1 घंटा, ठीक है 1 घंटा, और उसने दे दिया विभवांतर V बराबर है कितना 50 वोल्ट विभवांतर उसने दे दिया है। तो अब क्या कहे, एनर्जी निकालो, ऊर्जा का मान निकालिए, ऊर्जा निकालनी है। अब ऊर्जा के लिए तो भी हमें चाहिए P गुना में T, ठीक है, या तो ये है शक्ति चाहिए हमें तो, या फिर I स्क्वायर R T ये हो, या फिर V स्क्वायर बटे R इनटू T ये हो, ये सारे के सारे सूत्र किसके हैं ऊर्जा के। हमने यहाँ मान लिया है कि सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है, तो ये सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होगी तो ये तो हीट हो गई, तो हम एच स्क्वायर ये भी यही सूत्र हो जाएगा, ये भी सूत्र, ये भी सूत्र, ये भी सूत्र, किसी से भी हम ऊष्मा का मान प्रकलित कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या आई, आई के लिए हमें पता भी, देखो आई होता है आवेश बटे समय, क्योंकि आवेश के बहने की दर होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा हमें निकालनी है, और विद्युत धारा के लिए हम जो आवेश है हमारे पास उस आवेश को टाइम से भाग कर देंगे, तो आवेश कैसे आए, नहीं ये विद्युत धारा कैसे आएगी, तो आवेश दिया है 96,000 इसको समय से, समय दिया 1 घंटा, लेकिन हमें चाहिए सेकंड में, तो 60 × 60 मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये हो जाएगा, ये कटेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, और ये हो गया भाई 6 से देखो भाग होता है क्या, 6 × 1 = 6 बच गए 3 × 6 = 36 160 आ गया। अभी 6 से देखो 6 × 12 बच के 160/6 ये आगे भी विद्युत धारा का मान आ गया, ये और भी कट जाएगा वैसे तो 2 × 3 = 6 × 2 = 8 = 16 कितना 80/3 ये विद्युत धारा का मान आ गया एम्पियर में, ठीक है एम्पियर में आ गया। अब हमें चाहिए, अब हमारे पास आई तो आ गया, हमारे पास विभवांतर है 50 वोल्ट, लेकिन देखो यहाँ पे करंट है इस सूत्र में, तो हमारे पास प्रतिरोध नहीं है, इस सूत्र को लगाएं तो विभवांतर है, यहाँ भी हमारे पास प्रतिरोध नहीं है, समय भी है और विभवांतर भी है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पे विद्युत धारा है, समय है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रतिरोध भी निकालना पड़ेगा, या पावर का एक और सूत्र होता है P बराबर होता है V into I, ये भी तो होता है ना P बराबर है V into I, तो ये T, या तो आप प्रतिरोध निकाल लो या फिर ये सूत्र लगा दो। प्रतिरोध निकालने के लिए हमें पता है V बराबर I R होता है, होता ना V बराबर I R, तो V का मान दे दिया 50, I का मान आ गया 80/3, ठीक है ना 80/3,
ये किसका मान है आई का, तो आर क्या आ जाएगा, तो आर आ जाएगा 50 गुना 3 बटे 80, ये कट गया तो हो गया 5 की 15 बटे 8, ये किसका मान आ गया आर का। अब कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, सारे यूज हो सकते हैं, जैसे ई मतलब एच हीट बराबर है आई स्क्वायर, आई कितना है 80 बटे 3, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ आई स्क्वायर आर टी, तो ये स्क्वायर में है, आर कितना है 15 बटे 8, और समय कितना है, समय है टी, वो भी एक घंटा, तो घंटे में एक घंटा ही ले लो, मतलब वाट आवर में ऊर्जा निकल जाएगी, वाट आर में ऊर्जा निकलेगी, याद रखना 80 बटे 3 गुना 80 बटे 2 बार है ना, तो गुना 15 बटे 8, 8 दाएं 80 10 आ गया, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 बटे 40 और 2 जीरो और इतने इतने वाट आर ऊर्जा, मतलब इतनी ऊष्मा पर पैदा होगी, वाट आर में है ये, अगर किलो वाट आवर में निकलेंगे तो बटे 1000 भी करना पड़ेगा, 1 2 3 ये कट जाएगी इससे, तो 4/3 किलो वाट आवर, इतनी ज्यादा इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, कब, जब 96000 कूलम आवेश एक घंटे के लिए एक तार के अंदर प्रवाहित होता है, बात समझ में आएगी भाई, ठीक है। अगर आप इसको जूल में निकालना चाहते हैं, अगर जूल में निकालना चाहते हो तो जूल के लिए ये जो चीज है देखो, ये वाली 80/3 गुना 80/3 गुना 15/8 गुना घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 60 गुना में 60, ऐसे हो जाएगा क्योंकि घंटे से मल्टीप्लाई है, तो अब इसको निकालोगे तो 8 × 80 × 3 × 15 3 पे ये कट जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 80 × 5 = 40 और 20 गुना में 60 गुना में 20 ये होगा, ये कितना आया 6 × 12 = 48 12 × 6 = 48 1 2 3 4 इतने जूल आ जाएगी भाई, ठीक है, निकाल के देखना। देखो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, हो सकता है कहीं पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, उसको इग्नोर करना, बस ये समझने की कोशिश करना कि कंसेप्ट कैसे लागू है, सूत्र कैसे लागू हुआ है और क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ठीक है, बात समझ में आएगी। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम कैसे सोल्व होएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है समान पदार्थ से बने समान लंबाई के दो चालकों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, इनके द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करो। देखो दो चालक है कोई, एक चालक ये है एक चालक ये है, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया आर, अब दोनों समान पदार्थ से बने हैं और समान लंबाई के हैं, तो दोनों का प्रतिरोध कितना होगा आर, और आर दोनों का यही प्रतिरोध होगा। अब देखो इनको जोड़ दिया किसमें, एक में श्रेणी क्रम में एक में पार्श्व क्रम में, क्योंकि ऊष्मा जो होती है वो प्रतिरोध पर निर्भर करेगी। अब इनको अलग अलग तरीके से जोड़ा है, किसमें एक बार श्रेणी क्रम में एक बार पार्श्व क्रम में, तो इसका मतलब है ऊष्मा इनमें बदल जाएगी। तो जब इनको श्रेणी क्रम में, जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना आएगा, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो R प्लस R हमें पता है कितना आ गया 2R, ये प्रतिरोध है किसमें श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में मान लो इनके अंदर जो है हम ऊर्जा का सूत्र होता है P गुना में T या I स्क्वायर R T, ये कह लो I स्क्वायर R T। अब मान लो इसके अंदर विद्युत धारा एक बार तो ये ऐसे जुड़े हैं और एक बार ऐसे जुड़े हैं, तो इन दोनों में देखो दोनों में जब जाएगी विद्युत धारा, इसमें भी करंट जितना होगा इन दोनों में कुल मिला के तो करंट एक जैसे ही जाएगा, जो ऊपर वाले में जाएगा वो इस नीचे वाले में नहीं भाई,
ऐसा नहीं है, इनमें क्या होगा, इनमें करंट अलग अलग जाएगा। हमें पता है कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम बढ़ जाता है तो उसमें विद्युत धारा कम जाएगी, और जो पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कम हो जाता है तो उसमें विद्युत धारा अधिक जाएगी। तो ये सूत्र हम बाद में लगाते हैं, पहले हमें, क्योंकि सूत्र में आई स्क्वायर आर टी होता है, तो हमारे पास प्रतिरोध तो आ गया, हमें चाहिए आई विद्युत धारा। तो श्रेणी क्रम में आई निकाल लो, श्रेणी क्रम में आई, इसमें मैंने आई एस मान लिया, इसमें श्रेणी क्रम में, तो आई वी बटे आर होता है, वी बटे आर। तो समान लंबाई के और इनमें समान विभवांतर होगा, ये बात याद रखना भाई, विभवांतर तो इन दोनों का क्या है, समान ही है। तो अब देखो वी एस, एस क्या, श्रेणी क्रम में विभवांतर, मान लेते हैं श्रेणी क्रम में क्या है, विभवांतर है, बटे आर, कितना आर, कितना है दो आर, ये हो गया। किसका मान है ये, आई का, ये आई का मान आया हमारे पास। अब श्रेणी क्रम में ऊष्मा कितनी आएगी, ई एस मान लेते हैं उसको, श्रेणी क्रम में आई स्क्वायर आर टी, ये सूत्र होता है आई स्क्वायर, श्रेणी क्रम में कितना वी एस, एस मतलब सीरीज में, बटे टू आर इसका स्क्वायर, ठीक है, ये तो विद्युत धारा है, और आर कितना है, आर है टू आर, और समय क्या है, समय तो दोनों में समान है, समान समय के लिए दोनों में ये गई है विद्युत धारा। तो ये ऊष्मा का मान है किसमें, ये ऊष्मा का मान है श्रेणी क्रम में, ठीक है, इसको कह दो समीकरण नंबर एक। अब हम निकालेंगे पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में क्या निकालेंगे, प्रतिरोध। जब प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो मान कितना आएगा, तो पार्श्व क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या आएगा, क्योंकि प्रतिरोध हमने मान लिया आर है दोनों का और दो है, तो आर बटे दो हो जाएगा पार्श्व क्रम में, यह मैं बता चुका हूं। अब आई निकालेंगे, आई पी का मतलब क्या है, पार्श्व क्रम में विद्युत धारा, वी वी बटे आर, आर पी मतलब पार्श्व क्रम में प्रतिरोध, तो वी बटे आर पी, आर कितना है, आर बटे दो, ये कितना हो गया, ऊपर चला जाएगा दो, तो दो वी बटे आर, ये होगा भाई विद्युत धारा। अब पार्श्व क्रम में ऊष्मा का सूत्र लगाओ, ई पी मतलब पार्श्व क्रम में ऊष्मा, आई स्क्वायर आर टी, आई का मान कितना आया था, आई आया दो वी बटे आर इसका स्क्वायर, प्रतिरोध कितना आया, प्रतिरोध हमारा निकाला था अभी आर बटे दो, आर बटे दो, समय तो सेम है दोनों में, ठीक है। तो ये आ गया किसमें, ये समीकरण नंबर दो। निकालना क्या हमें, उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात, तो मतलब इक्वेशन एक को दो से डिवाइड कर दो, अनुपात निकालना है, तो वी एस, इस वी एस और वी पी मतलब पार्श्व क्रम में विभवांतर दोनों का समान है, इसमें दे रखा भी, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, इधर से देखो ये होगा v स्क्वायर बटे दो दुनी चार, चार आर स्क्वायर गुना दो आर गुना टी, ठीक है। अब इसको खोल लो, दो दुनी चार v स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुना आर बटे दो गुना टी। अब देखो ये ऊपर वाले से दो दुनी चार, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घटा, क्या बचा ऊपर, वी स्क्वायर बटे दो आर गुना टी, नीचे ये आर से एक आर कट गया दो दुनी चार, तो दो वी स्क्वायर बटे आर गुना टी, ये टी से टी कट गया। अब ये पलट जाएंगे क्या आएगा, v स्क्वायर बटे 2r गुणा ये r ऊपर जाएगा r बटे और 2v स्क्वायर नीचे आ जाएगा 2v स्क्वायर, ये वाला पड़ जाएगा, तो r से r गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, कितना गया 1 बटे 4, या ये कहें कि 1 अनुपात 4, बात समझ में आई। तो ये आ गया 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 4 क्या आया, मतलब अगर हम दो प्रतिरोधक जिनका समान प्रतिरोध है, एक बार उनको पार्श्व क्रम में जोड़े, एक बार उनको श्रेणी क्रम में जोड़े, तो उनके द्वारा उत्पन्न
उष्मा का अनुपात है 1:4। ठीक भाई, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो हम देखते हैं। देखो भाई, एक कुंडली का प्रतिरोध है 200 ओम और इसमें 2.5 एम्पीयर विद्युत धारा को गुजारा जाता है। क्या है? 200 ओम प्रतिरोध दिया है एक कुंडली का, जो दिया गया है वो लिख लेंगे। R बराबर है 200 ओम, इसमें 2.5 एम्पीयर, I बराबर है 2.5 एम्पीयर को गुजारा जाता है। उष्मीय ऊर्जा किस दर से उत्पन्न होगी, बात याद रखना, थोड़ा सा चेंज है। उष्मीय ऊर्जा किस दर से उत्पन्न होगी, मतलब एनर्जी तो निकालनी है लेकिन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। P गुणा में T होता है ऊर्जा, लेकिन हमें निकालना है ऊर्जा की दर, मतलब E by T निकालना है। और E by T का मतलब क्या, बटे T करेंगे तो ये T कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की दर, ये सॉरी वो तो समता होती है भाई। तो ऊर्जा हमने निकालनी है किस दर से उत्पन्न होगी, तो टाइम के रिलेशन में निकालना, सीधा क्या निकाल दो, बस समता निकाल दो, इसकी शक्ति निकाल दो। और शक्ति का सूत्र होता है आई स्क्वायर आर, ये होता है पी के बहुत सारे सूत्र होते हैं ना, आई स्क्वायर आर होता है, पी बराबर बी इंटू आई होता है, पी बराबर बी स्क्वायर बटे आर होता है। अब इसमें से जो दिया गया है वो फॉर्मूला उठा लो, तो जो लागू होगा कौन सा, इसमें आर दिया है आई दिया है, तो हमारा ये लग जाएगा। तो आई कितना 2.5 इसका स्क्वायर और आर कितना 200, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2.5 गुणा 25 625, मतलब ये आ जाएगा 6.25 गुणा 200 बराबर 1220, 2 5 10 बच गया 1, 2 4 5 और 2 6 12, तो ये इतना 1250 जूल पर सेकंड। ये बात याद रखना, 1200 जूल पर सेकंड, क्योंकि उसने पूछा ऊर्जा किस दर से खर्च होगी, तो या उष्मा किस दर से उत्पन्न होगी, वही बात है 1250 जूल पर सेकंड। तभी मैंने इसको टाइम से पहले ही बात कर दिया था, तो ये आ गया 1200 जूल पर सेकंड। बात समझ आई, क्योंकि इसमें हमने समता निकाली, समता का मतलब ही होता है जूल पर सेकंड। जब उसने बोला था समता की परिभाषा में, शक्ति की परिभाषा में, कि ऊर्जा के खर्च करने की दर या कार्य को करने की दर को बोला जाता है शक्ति। अब ऊर्जा को खर्च करने की दर ही शक्ति है, तो इसमें सीधी शक्ति निकाल दो, तो वो आ जाएगी ऊर्जा को खर्च करने की दर। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स। ये नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसमें, ये तो बस मैंने तरीका बताया है कि कैसे आप करोगे। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, न्यूमेरिकल कभी खुद से नहीं आएंगे, मतलब अपने आप प्रैक्टिस करके देखना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल, उतने ही अच्छे समझ में आते हैं। ये सब मैथमेटिक्स से ये समझ लो, अच्छी प्रैक्टिस करने से इनका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा भाई, 12th चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 13। तो इस वीडियो में इतना ही, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।